हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जुगनू न्यूज़ नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, कल नवाज शरीफ का जलसा तो आप सब ने देखा होगा, लेकिन जलसे के बाहर जो मनाजर थे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब लोग नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान बाहर अपने घरों का वापस जा रहे थे तो पंजाब पुलिस ने कैसे इनको धक्के मारकर और डंडे मारकर ग्राउंड के अंदर वापस भेजा कि नवाज शरीफ की तकरीर सुने बगैर घर नहीं जाना, नवाज शरीफ की पूरी तकरीर सुनकर जाओ। देखें ये कैसे रियासत इनको एक सहूलतकार मुहैया कर रही है और इनको मुल्क के ऊपर मुसलत कर रही है। जानिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें जी। इस वक्त जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं और ये मंजर देखा जा सकता है, लेकिन लोग जो हैं वो जोक दर जोक यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये इस वक्त देखा जा सकता है कि लोग जो हैं कितनी तेज़ी के साथ जो है वो बाहर निकल रहे हैं, जबकि दूसरी जाने मैं आपको थोड़ा सा मंजर आगे करता हूँ और ये दिखाता हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो तकरीर कर रहे हैं। ये सामने स्क्रीन आपको नज़र आएगी और स्क्रीन के ऊपर ये देखें जी, इस वक्त नवाज शरीफ जो हैं वो कौम से ख़ताब कर रहे हैं। ये मरियम नवाज खड़ी हैं और ये नवाज शरीफ, और ये यहाँ के मंजर हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ से वापस जा रहे हैं और पुलिस वाले मार मार कर रोक रहे हैं कि कोई बाहर जो है वो ना निकल सके। तो ये मार मार के जो है ये गेट बंद कर दिया गया कि अब किसी को बाहर भी निकलने नहीं देना, यानी जो बाहर से आ रहा है वो आ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो बाहर नहीं जा सकता। और ये मारा जा रहा है लोगों को, जो लोग यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कसी तादाद में यहाँ पर खड़े हैं और उन्हें कहा गया कि बाहर नहीं जा सकते, आप अंदर आ जाएँ। तो ये यहाँ के मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नवाज शरीफ की तकरीर हो रही है और दूसरी जानिब लोग जो हैं वो पंडाल छोड़ कर जा रहे हैं।